हाँ जी शास्त्रों में बोला जाता है कि पांडवों का ज्ञानवास जो है वो विराट नगर हुआ। हाँ, तो ये विराट रूप नाम सुना है? है क्या है विराट रूप के बारे में क्या सुना है? विराट रूप का मतलब है भगवान का वो रूप जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है। कहते हैं वो विराट रूप कौन से युग में तैयार होता है? संगम में तैयार होता है। संगम युग में जो विष्णु का विराट रूप तैयार होता है वो विष्णु ही संगम में तैयार होता है। संपन्न रूप में संपूर्ण बनता है। वे विष्णु का प्रैक्टिकल रूप कौन है? है वो विष्णु का संपन्न रूप कौन है? अरे विष्णु किसको कहा जाता है? है हाँ, नो विषय विकार किसमें? अरे कोई है या नहीं है? है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण एक ही का यादगार है विष्णु या और भी आत्माएं हैं? दो लक्ष्मी और दो नारायण, इनको मां लक्ष्मी और महानारायण भी कहा जाता है। तो चार भुजाएं दिखाई गई हैं और एक उनको कंट्रोल करने वाला। उन पांचों ही आत्माओं में जो पहले पहले विष्णु रूप धारण करती हैं उनमें प्रैक्टिकल रूप में विष्णु अर्थात नो विषयटाल का पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? वैष्णवी। वो भी एक सितारा है या नहीं है? है वो भी एक सितारा है। उसकी भी अपनी दुनिया है, है या नहीं है? है। वो आत्मा आधार मूर्त है या बुज रूप है? है आधार मूर्त है। उस आधार का भी कोई आधेय है या नहीं है? आधार कहा जाता है धरणी को और आधेय कहा जाता है उसमें डाला हुआ बीज। तो कोई बीज है या नहीं है? बीज भी है लेकिन बीज के लिए तो नहीं कहा जा सकता नो विषय टाल। कहेंगे है जब तक संपन्न न हो जाए पुरुषार्थ में तब तक उस बीज रूप आत्मा के लिए कहेंगे नो विषय टाल। है कि सारा विष दुनिया का उसी में जाके इकट्ठा हो जाता है। है सारा विष कौन पीता है? वो एक ही है वो रूप जो दुनिया का सारा विष पी जाता है। तो उसको नो विषय अटाल तो नहीं कह सकते। तो जो आधेय है वो उस रूप में नहीं है। आधार है वो ही पवित्र है। धरणी
धरणी पवित्र है या अपवित्र है? है? दैनिक कार्य करते हैं, ढेर सारी दैनिक क्रियाएं होती हैं, उन्हें टॉयलेट जाते हैं कि नहीं? तो हाथ गंदे होते हैं, काई से साफ करते हैं? है? आज तो साबुन से साफ करते हैं, पहले काय से साफ करते थे? मिट्टी से साफ करते थे। तो वो मिट्टी पवित्र है क्या? और वो मिट्टी भी जो वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली है वो भारत की मिट्टी है या जगदम्बा है? भारत की मिट्टी है। ये महान मिट्टी है भारत की कन्या माताएं, जिनको टाइटल दिया है माता गुरु, वो माता गुरु आधार बनती है पवित्रता के लिए, बीज नहीं है। पहले आधार या पहले बीज? पहले बीज बाप। तो जो बाप पहले है ना, वो ही वास्तव में विष्णु हो जाता है। उसका प्रैक्टिकल रूप है धरणी। बाप बीज जो है वो बीज रूप आत्मा अकेली है, निवृत्ति में है या प्रवृत्ति में है? है? कैसे? उस छोटे बच्चे ने बताया प्रवृत्ति में। कैसे प्रवृत्ति में? अच्छा छोटे ना बताओ बड़े बताओ। है? शिव के साथ प्रवृत्ति है। शिव तो न प्रवृत्ति में है न निवृत्ति में है। है? वो 5000 साल प्रवृत्ति में रहता है? नहीं। तो प्रवृत्ति कैसे है? अरे रुद्रमाला का पहला मणका है ना, है? प्रजापिता पहला मणका है ना, तो जो पहला मणका है वो अकेला है या साथ में कोई साथी है? कौन है साथी? है? काशी नगरी शास्त्रों में दिखाया है कि तीन देवियां इतनी पवित्र नहीं है जितनी काशी नगरी पवित्र है। तो विष्णु का प्रैक्टिकल रूप है या नहीं है? है? विष्णु का प्रैक्टिकल रूप काशी भी है लेकिन बीज रूप स्टेज में है वर्तमान संगम युग में। 84 जन्मों के हिसाब से नहीं कहेंगे, 84 जन्मों के हिसाब से 21 जन्मों को तो छोड़ दो, बाकी 63 जन्मों में वो ज्यादा जन्म दुर्योधन दुशासन के लेगी या कन्या माता के रूप में लेगी? रुद्रमाला के मणके पुरुष रूप हैं स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर के या स्त्री स्वभाव संस्कार के हैं? तो पहला नंबर तो सबसे जास्ती पुरुष जन्म लेगा, लेगा या नहीं लेगा?
तो जो दूसरा मणका है वो उसके बाद और मणकों के मुकाबले सबसे जास्ती पुरुष जन्म लेगा या नहीं लेगा? लेगा। तो 63 जन्मों का हो ये 84 जन्मों के हिसाब से स्त्री चोला नहीं है, लेकिन पुरुष चोला है स्वभाव संस्कार से संगम युग में। लेकिन वर्तमान में क्या है? स्त्री चोला है। तो रुद्रमाला का पहला मणका और दूसरा मणका ये दोनों आपस में जब प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तो भाई बहन है या पति पत्नी है? भाई बहन है। भाई बहन होने के कारण वो फाउंडेशन डालने के पक्के निमित्त बनते हैं। नई दुनिया की राजधानी डालने के लिए तो 12 वर्ष का पांडवों का वनवास गया हुआ है और 13वां अज्ञातवास गया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 वर्ष तो भले इधर उधर डोलते रहें, लेकिन 13वें वर्ष में उनको कहां की शरण लेनी पड़ेगी? है कंपिला जो स्थान स्थूल स्थान की बात नहीं है, ये तो ब्राह्मणों के संगठन की बात है। हाँ, तो राजा विराट की राजधानी में शरण लेनी पड़े, वो स्थान ही उनके लिए सुरक्षित है, वो विराट राजा का स्थान चाहे बीज रूप में सूक्ष्म दुनिया का हो और चाहे आधार मूर्त में, लंबी जड़ें होती है ना, आधार आधार माने जड़ें, चाहे बड़े रूप में हो, पहले सूक्ष्म रूप होता है और बाद में बड़ा रूप होता है। तो ये हुआ राजा विराट का शरण स्थल जो पांडवों को प्राप्त होता है। आया समझना? बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है, इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है, जबकि शिव बाबा तो सिर्फ संगम पर ही बनते हैं और युगों में ना प्रवेशता है ना शिव बाबा बन सके। जिसे शिव बाबा कहा है उसमें शिव की सोल आती है या नहीं, और आकर के आप समान बनाती है या नहीं? तो आप समान एक जन्म के लिए ही बनाती है या अनेक जन्मों के लिए बनाती है? अनेक जन्मों के लिए आप समान बनाती है। एक ही रूप ऐसा है विष्णु का जो आदि में भी विष्णु है। नई सृष्टि की शुरुआत होगी संबत 1111, तो किसका राज्य होगा? विष्णु का राज्य होगा। आदि में सो जब सृष्टि का अंत काल आएगा, सन 36 आएगा, तो भी कौन से रूप में होंगे? वो विष्णु रूप में ही होंगे। तो आज से अंत तक शिव का कल्याणकारी रूप ही है प्रैक्टिकल में, या कोई का अकल्याण भी चाहने वाला होगा कल्याणकारी ही होगा। तो शिव नहीं कहा, शिव बाप नहीं कहा,
शिव बाबा कहा, इसलिए शिव बाबा कहा कि बाबा है साकार का नाम, शिव बिंदु का नाम है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप का नाम है शिव, और उसका एक ही संबंध है बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ, कौन सा? बाप है, बाबा नहीं। बाबा माने ग्रैंडफादर। हो, ग्रैंडफादर भी तब बनता है जब साकार में मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है। बाप आकर के क्या करता है? बच्चों को आप समान बनाता है। तो आप समान बनने वाले बच्चों में, इस सच्चरूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले बच्चों में कोई 100% भी हीरो होगा या नहीं होगा? जो एक हीरो है उसी के लिए बोला इस शक्ति पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। बल न सतयुग में न त्रेता में किसी को पता चलता है कि वो हीरो पार्टधारी कौन है, और न द्वापर में और कलयुग में किसी को पक्का पता चलता है कि वो हीरो पार्टधारी कौन है। हाँ, बीच बीच में जो प्रैक्टिकल पार्ट चलता है हीरो पार्टधारी का, उससे सारी दुनिया को हिस्ट्री में पता चलता है कि ये जरूर कोई हीरो पार्टधारी है। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। और सबसे दृष्टि इंद्रिय तो काम विकार है। काम विकार नहीं, काम इंद्रिय है। काम इंद्रिय है तो सतयुग त्रेता में तो श्रेष्ठ इंद्रियों की पैदाइश होती है। सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ इंद्रियों की पैदाइश होगी, तो इसमें त्रेता में दो कलाएं कम किस लिए हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि सतयुग त्रेता की जो आप बात कर रहे हैं वो सतयुग त्रेता श्रेष्ठ युग नहीं है, सतयुग त्रेता से भी ज्यादा श्रेष्ठ युग कोई और है, संगम युग है। सतयुग त्रेता से श्रेष्ठ संगम युग इसलिए है कि सतयुग त्रेता में तो फिर भी मुख के प्यार से बच्चों का जन्म होगा। क्या? दृष्टि का प्यार होगा, आंखों में जबरदस्त आकर्षण होगा देवताओं में, मुख का प्यार होगा। लेकिन संगम युग में तो मुख का प्यार भी नहीं होगा। मुख में जो आंखें हैं, मुख है, वो फिर भी देह का अंग है, भले श्रेष्ठ अंग है, उत्तम अंग है, आंखें हैं, मुख है, उत्तम अंग है, फिर भी देह का अंग तो है। कुछ न कुछ अंश मात्र देहभान है तो, और संगम युग में तो है, संगम युग में तो देहभान का नाम निशान नहीं होगा। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, लक्ष्मी नारायण जो माँ बाप हैं संगम युग में खड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को दृष्टि मात्र से भी नहीं देख रहे हैं। उनकी दृष्टि एक दूसरे में जा रही है? नहीं जा रही। और उनके जो बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे आत्मिक स्टेज में कम ताकत वाले होंगे या ज्यादा ताकत वाले होंगे? कम ताकत वाले होते, इसलिए उनमें थोड़ा सा देवान का अंश आ जाता है। इसलिए राधा कृष्ण को एक दूसरे को देखते हुए दिखाया गया है। ये दृष्टि भी देह का अंग है, इसलिए बताया। बाबा हनुमान अभी पूरी बात समझ में आ गई क्या? संगम युग भी श्रेष्ठ है।
हाँ वो तो ठीक है, आपका प्रश्न तो सतयुग त्रेता से संबंधित था ना। क्या दो कलाएं कम इसलिए होती हैं कि वहाँ देवान नीचे की ओर उतरता जाता है, भ्रष्ट इंद्रियों की ओर उतरता जाता है। आंखों के मुकाबले जो बाहु है, बाहु पास में बंधने की शुरुआत त्रेता युग में होती है। वो बाहु पास का सुख जो है वो त्रेता युग में शुरू होता है। तो उत्तमांग और फिर नीचे उतरे तो कुछ भ्रष्ट नीचे उतरे ना, तो इसलिए वो दो कला कम हो गई। फिर भी उतरने की गति तीव्र नहीं है। तीव्र गति तब होती है जब द्वापर युग में द्वैतवाद शुरू होता है। आत्मा अलग और देह, देह अलग, तब तेजी से पतन होता है। इसलिए वहां सुख की गति अल्पकाल की रह जाती है। संगम युग में सुख की गति क्या होगी? उस सुख का नाम क्या दिया है? अतीन्द्रिय सुख। पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, कहां होते हैं गोप गोपियां? संगम में ही तो होते हैं। संगम युग में ही ऐसे गुप्त पुरुषार्थी होते हैं जो गुप्त बाप को पहचानते हैं और गुप्त बाप के साथ सर्व इंद्रियों का संबंध भी जोड़ लेते हैं, सब संबंध जोड़ लेते हैं। एक से एक संबंध के सुख की बात नहीं है, सब प्रकार के संबंधों का सुख ले लेते हैं। और युगों में ऐसा नहीं होता। और बाबा हनुमान को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, है? हनुमान जी को है? बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, है? वैसे भी शास्त्रों में उनको बाल जति कहकर दिखाया जाता है, है? तो उनको काम विकार की पूर्ति क्यों दिखाई जाती है? जो बाल ब्रह्मचारी शब्द आया है वो बाल ब्रह्मचारी देवताएं होते हैं या जानवर होते हैं? देवताएं होते हैं। और देवताओं को तो पूंछ होती नहीं है। और जो हनुमान का जो मिसाल है वो हनुमान कौन सी आत्मा के लिए बोला गया है? उनको कौन सी पूंछे है, है? देवान। कैसे साबित करेंगे कि उनको देवान की पूंछ है और तुम्हारे शंकर जी को देवान की पूंछ नहीं है, है? निराकारी स्टेज, निराकारी स्टेज नहीं, उसका प्रूफ क्या होता है? निराकारी स्टेज का कोई प्रूफ नहीं। वो तो आज भी सभी मानते हैं कि ब्रह्मा बाबा लाइट के शरीर में आदमी है, सभी मानते हैं ब्राह्मण परिवार वाले। हाँ वो तो 68 के बाद, 69 के बाद लाइट के शरीर में सूक्ष्म शरीर तब धारण किया, लेकिन उनका यादगार तो शास्त्रों में यज्ञ के आदि का भी है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहु से जातन तारो, है कि नहीं है? यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य शिव प्रजापिता में प्रत्यक्ष हुआ और हनुमान ने उसको खा लिया। खा लिया कि नहीं खा लिया, है? खा लिया। जब खा लिया तो अंधेरा हो जाएगा दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में, या उजेला रहा? अंधेरा हो गया। फिर देवना आने करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। जो 84 जन्म लेने वाले देव आत्माएं हैं
कितनी देव आत्माएं हैं? पक्की पक्की 4.5 लाख। वो कब से आना शुरू होती है? हाँ? वो यज्ञ में, ब्राह्मणों की दुनिया में कब से आना शुरू होती है? नहीं 70? नहीं नहीं 83। नहीं, वो आदि में आई थी, शरीर छोड़ गई ना फिर। 42 से हाँ, फिर वो शरीर छोड़ करके यज्ञ में आने की शुरुआत उनकी होती है जब मम्मा का शरीर छूटता है। क्या है? हाँ, मम्मा जगदम्बा है ना, तो प्रैक्टिकल में जगदम्बा ने शरीर छोड़ दिया, तो जगत का जो फाउंडेशन है वो जैसे के खलास हुआ, तो जगत जाएगा तो क्या रह गया? भारत ही तो रह गया। तो उस समय से सन 65-66 से ये बीज रूप आत्माओं का आना शुरू होता है, चाहे इस्लाम धर्म की बीज हो, चाहे बौद्ध धर्म की बीज हो, ये आत्माएं बेसिक में आना शुरू होती है और 69 तक आ जाती है। लास्ट में आने वाली जो आत्मा है, चार धर्मों की जो बीज, वो भी 69 में लास्ट में आ जाती है। तो वो आत्माएं यज्ञ में आकर के देव आत्माओं के रूप में प्रत्यक्ष हुई कि नहीं है? यज्ञ में तो देव आत्माएं है ना, वो ब्राह्मण सो क्या है, ब्राह्मण देवता कहे जाते हैं ना, आदि के ब्राह्मण है ना, आदि के ब्राह्मण सो देवता, तो वो देवनहानि करी विनती, तब वो देव आत्मा यज्ञ में आती हैं, तब वो ब्रह्मा बाबा को क्या समझती हैं? भगवान समझती हैं। वो उनकी विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं। ये बातें हैं, ये बातें हैं, इनका तो हमें समाधान नहीं मिलता है, हम अंधेरे में। जो भी बीज रूप आत्माएं हैं एडवांस में, जब बेसिक में आती हैं तो अनुभव करती हैं कि हमें बहुत सी बातों का समाधान नहीं मिल रहा है, हैं? तो अंधेरे में है ना, तो विनती करती हैं इन बातों का भी हमें जवाब मिलना चाहिए, लेकिन उन बातों का जवाब ब्रह्मा की वाणी से तो मिलता नहीं, और वो शरीर भी छोड़ देते हैं। तो फिर वो ज्ञान सूर्य जो है, ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ही ज्ञान में आ जाती है और वो बाहर आ जाता है। जैसे देवताओं को दिखाते हैं कि कोई राक्षस ने इंद्रदेव को हप कर लिया, बहुत सी उल्टी पलटी बातें दिखाई हैं शास्त्रों में, और फिर इंद्रदेव को क्या किया, मुख से बाहर निकाल दिया। तो ऐसे ये चक्कर चलाया गया है शास्त्रों में, वो सूर्य बाहर आ जाता है, सूर्य बाहर आता है तो एकदम बाहर आता है या धीरे धीरे उसकी रोशनी पहले अंदर अंदर आती है, अंदर अंदर रोशनी आती है ज्ञान की, 76 से वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हनुमान जो है वो ब्रह्मा की सोल देवभान के आधार पर है, वो देवभान की पूंछ है। क्या देवभान की पूंछ? वैसे काम विकार को नहीं जीता, काम विकार को जीतने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कौन सा देवता है? शंकर है, काम को भस्म करने वाला। लेकिन काम विकार को भल भस्म नहीं किया,
फिर देह अहंकार रहा कि नहीं रहा? है, देह अहंकार रह गया। देह अहंकार रह जाने के कारण वो बच्चों को गोद में लेते थे, बच्चियों को भी गोद में लेते थे, माताओं को भी, कन्याओं को भी गोद में लेते थे, लेकिन तन पुरुष दुर्योधन दुशासन का है। तो दुर्योधन दुशासन जब पुरुष तन गोद में लेगा और काम विकार के ऊपर विजय है नहीं, तो बाहर से तो नहीं मालूम पड़ेगा किसी को कि इन्होंने जीत पाई है कि नहीं जीत पाई है, लेकिन अंदर से डिस्चार्ज हो जाए तो। और डिस्चार्ज होता है या नहीं होता होगा? भगवान तो नहीं है, डिस्चार्ज होता था। तो ये काम विकार की पूंछ थी, उस काम विकार की पूंछ से ही सारे विकार पैदा होते हैं। इसलिए जो रावण का रूप दिखाया जाता है उसमें काम अलग है, कामी इस्लामी अलग सिर, क्रोधी क्रिश्चियन अलग सिर, लोभी मुस्लिम अलग सिर, मोही आर्य समाजी अलग, और अहंकारी रशियन अलग सिर। ये पांच विकार रावण के दिखाए गए हैं, पांच मंदोदरी के दिखाए गए हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। इन दसों की पैदाइश कैसे होती है? देवान से। तो रावण के सिर के ऊपर कौन दिखाया है? गधा क्यों कहा गया? अरे गधा ही क्यों कह दिया, भैंस क्यों नहीं कह दिया? है बुद्धि में ज्ञान नहीं है, बाप की पहचान नहीं है, और वो बार बार मिट्टी में, देह अभिमान की मिट्टी में लौट जाता है। तो गधा दिखाया है रावण के सिर के ऊपर। अब उसे गधा कह दो, चाहे हनुमान की पूंछ कह दो, और चाहे बैल कह दो, बात एक ही हो गई। और बाबा हर धर्म में अलग अलग पोजीशन में बैठ के याद करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? याद कहाँ करते हैं, बाप की याद होती है हर जन्म में? हर धर्म में बाप की याद होती है जो याद करते हैं? हाँ, हाँ वो क्या नाम, एक्टिंग करते हैं कि हम भगवान को याद करते हैं। और बाबा जैसे जो परम धाम जो प्रजापिता है लास्ट में जाएगा, ठीक है, और जो सबसे पहला चलना स्टार्ट कौन होगा? प्लास्टिक वाले होंगे कि सबसे जास्ती जो दुख भोगते हैं, और सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, उनमें कौन है जो पहले पहले परमधाम में जाएंगे? ज्यादा सुख भोगने वाले ही जाएंगे। लेकिन दुनिया का विनाश तो ताबड़तोड़ होगा ना, बड़े से बड़ा विनाश कब होगा? तृतीय विश्व युद्ध में होगा या चतुर्थ विश्व युद्ध में होगा? चतुर्थ विश्व युद्ध में जब एटमिक विस्फोट होंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाने के कारण अंदर का जो लावा है, पृथ्वी के अंदर अग्नि भरी पड़ी है, वो फूट पड़ेगा और सारी पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आएंगे। उन भूकंपों में धीरे धीरे करके एक एक करके 7-8 दिन के अंदर सारा ही विस्फोट हो जाएगा। तो ढेर के ढेर मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अभी भी भूकंप तो आ रहे हैं, लेकिन धीमी गति से आ रहे हैं। ये धीमी गति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी।
तो भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 100-100 मार की बिल्डिंगें एक साथ गिरेंगी तो ज्यादा मरेंगे कम मरेंगे? और हाय हाय करके मरेंगे या आराम से मरेंगे? हाय हाय करके मरेंगे। उन 7-8 दिनों में जो हाय हाय करके मरेंगे, बहुत से तो 7-7, 8-8 दिन ऐसे ही टांग हाथ और नाक दबी हुई है, सांस मिल रही है, धीरे धीरे सांस चल रही है, कितनी तकलीफ होती होगी। ऐसे शरीर छोड़ने वाले सीधे परमधाम में जाएंगे क्या? हाँ, तो वो सूक्ष्म वतन में इकट्ठे होते रहेंगे, क्योंकि जिनकी भी अकाले मौत होती है, अभी भी हो रही है कि नहीं, तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं या नहीं करते हैं? सही, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं बन जाती हैं, सूक्ष्म वतनवासी। कोई ऊंची स्टेज वाली होती है और कोई नीची स्टेज वाली होती है। अरे एक बात तो पूरी होने दो, तो वो सूक्ष्म वतनवासी आत्माओं में कोई तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी ऊंची ऊंची स्टेज में रहेंगी, फरिश्ताई स्टेज में रहेंगी, और कोई ईविल सोल के रूप में रहेंगी, और नीचे वालों में प्रवेश करके उनको और दुख देती रहेंगी। बाकी रहेंगी कहां? सूक्ष्म वतन में रहेंगी, सब इकट्ठे होते रहेंगे। कब तक इकट्ठे होते रहेंगे? है शंकर वाली आत्मा, तब तक इकट्ठे होते रहेंगे जब तक के लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा, फास्ट सो फर्स्ट जाने वाली आत्मा बुद्धि योग से 24 घंटे के लिए अपना शरीर न छोड़ दे। चौबीस घंटे लगातार स्मृति, फिर वो आत्मा अपना शरीर छोड़ के, माना देह बहन छोड़ करके जब दौड़ेगी तो सूक्ष्म वतनवासियों से पहले आगे निकल जाएगी। ऐसे ही और भी नंबरवार होंगे 4.5 लाख, वो भी उसी समय शरीर छोड़ेंगे या बहुत पहले शरीर छोड़ देंगे? है या बाद में शरीर छोड़ेंगे? बाद में छोड़ेंगे। हाँ, उससे पहले ही शरीर छोड़ चुके होंगे। तो जो लास्ट में आत्मा पहुंचेगी वो ही फर्स्ट में उतरेगी, और फिर नंबरवार होते जाएंगे। और हाँ जो ईविल सोल आत्मा होती है, इनका समय तो वो कब तक रहेगा? ईविल सोल के रूप में कब तक रहेगा? अपने अपने कर्मों के अनुसार होता है। कोई पाप कर्म करते हैं धीमी गति से, और कोई पाप कर्म करते हैं तीव्र गति से। जो धीमी गति से पाप कर्म करते हैं उनके पाप कर्मों का फल कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है, और जो बहुत तीव्र गति से पाप कर्म करते हैं उनका प्रतिफल इसी जन्म में भी मिल सकता है। और मगर सत्यु त्रेता की हिस्ट्री मनुष्यों के पास से नहीं है, यह हिस्ट्री तो बाप ही आकर बताते हैं, हमें बताते हैं। जबकि बाबा कहते हैं मैं तो सत्यु त्रेता में जाता नहीं हूँ। हाँ, सत्यु त्रेता के रस्म रिवाज बाबा को कैसे पता? आता नहीं है, किसी तन में नहीं आता है। शिव ज्योति की बिंदु है, जो शिव बाप है, शिव ज्योति बिंदु किसी तन में नहीं आता है। तो जिस तन में आता है उसके अपने संस्कार इमर्ज नहीं होते हैं उसके आने से? फिर हाँ बाबा किसी को अज्ञान का ज्ञान देते हैं तो वो बेसिक किसी भी उनका रिश्ता पड़ जाता है कि पता नहीं कौन सा ठीक है, ऐसा क्यों होता है बाबा? पता नहीं कौन सा ठीक है, कौन सा ज्ञान बनाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं।
चल रही है हाँ। तो कंफ्यूज रहती है हाँ। तो पता नहीं बेसिक में सही चल रहे थे कि एडवांस में सही है हाँ। तो बाबा क्या ठीक है वो छूट जाता है। कंफ्यूज वही आत्माएं होंगी जिन्होंने पूर्व जन्म में कन्फ्यूजन किया होगा कन्वर्ट होते समय। जिनको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा वो क्यों कन्फ्यूज होंगी? अभी रील घूम रही है पूर्व जन्मों की, बनी बनाई बन रही है, अब कछु बननी ना है। सबको थोड़े ही होता है कन्फ्यूजन। फिर आप जब ज्ञान में आए तो आपको कन्फ्यूजन हुआ नहीं? बाबा तो कहते हैं जो तुम्हारे कुल का होगा तो दो शब्द भी सुनेगा तो फट से कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बाबा ने पूछा कि क्या अंतकाल देंगे? हैं? पूछा कि क्या अंतकाल देंगे बाबा? हाँ उसका साथ देने का मतलब क्या है? साथ देने का मतलब ये है कि जो आत्मा जन्म जन्मांतर बाप की सहयोगी बनकर के रही होगी लंबे समय तक, वो कोई एक आत्मा तो होगी कि सारे धोखा दे जाएं तो भी वो अकेली सहयोगी बनकर के रहेगी। हालांकि लास्ट में तो सभी टूटने हैं, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन बाप को मत भूलना। तो बाप को मत भूलने वाले भी नंबर बार होंगे कि सब एक जैसे होंगे? बाप तो सिर्फ ज्योति में भूल गया तो सिर्फ बाप को तो नहीं भूलेगा है? बाप को नहीं भूला बोल रहे, ज्योति में तो हो गया। हाँ तो जो जो बाप जो और बच्चे हैं प्रजापिता के अलावा उनके लिए ये डायरेक्शन है। क्या क्या डायरेक्शन? अंतक देंगे शिव बाबा को नहीं भूलना, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन शिव बाबा दुश्मन नहीं बनेगा, उसको नहीं भूलना। अब रही बात प्रजापिता की कि प्रजापिता के लिए कैसे लागू होगा, तो प्रजापिता के लिए तो कह दिया कि तेरी बुद्धि में बाबा कहने से कौन याद आवेगा, बिंदी ही याद आवेगी, तो उसके लिए शिव बाबा कौन हो गया? तो शिव बाबा को ना भूलना। प्रजापिता शिव बाबा को बिंदी रूप में ना भूले तो फेल होने वाला नहीं है, वो तो एक के लिए बाबा, बाकी नंबर वाले बाकी के लिए साकार में बाबा है। बाबा ने कहा सारे बोलेंगे सारा साथ छोड़ेंगे, सारे ही साथ छोड़ेंगे नंबर वार, जब परीक्षाएं आएंगी तो सारे ही साथ छोड़ेंगे नंबर वार, या कोई कोई नहीं छोड़ेगा जिंदगी भर में? कोई कोई नहीं छोड़ेगा। अष्टदेव जो है वो लगातार साथ रहते हैं, वो भी आखिरी जन्म में माया उनको भी पढ़ी लेती। अरे माया के लिए तो गीत बनाया है माताओं ने, क्या जो गांवड़े की माताएं उन गीत बनाती हैं, बढ़िया बढ़िया गीत बनाए हैं, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा कुमारी विष्णु कुमारी शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे, वो किसी को नहीं छोड़ती। मुरली में बाबा क्या कहते हैं, माया किसी को छोड़ती है? ऐसा अहंकार कोई न करे कि माया हमको छोड़ देती, माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ बाबा अमात्य के पीछे राक्षस क्यों लगाते हैं? है चाणक्य सीरियल में अमात्य के पीछे राक्षस क्यों लगाते हैं? अमात्य राक्षस बोलते हैं ना? हाँ माना है, वो 24 घंटे सेवा में लगा रहता था, राज्य की सेवा में लगा रहता था, राजा की सेवा में लगा रहता था, लेकिन जिसकी सेवा में लगा रहता था वो भगवान था, सत्य को भगवान कहते हैं। भगवान किसे कहा जाता है? सत्य को ही भगवान कहते हैं। तो वो सत्य की सेवा में लगा रहता था या देहदारी की सेवा में लगा रहता था?
तो देहदारी की सेवा में लगा रहेगा तो राक्षस होगा या देवता होगा? क्या होगा? राक्षस था, राक्षसों की तरह सेवा करता था, न दिन देखता था न रात देखता था। जैसे बाबा तुमको मिसाल देते हैं, तुम जिन्न हो, जिन्न राक्षस होता है या देवता होता है? राक्षस होता है। तुमको काम मिला हुआ है, काम करते रहो, चढ़ो ऊपर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, तो जिन्न क्या करता है? है जिन्न को यही काम मिला हुआ है, फटाक से ऊपर चढ़ जाए है और फिर एकदम नीचे गया गड्ढे में। और आजकल ये देखा जा रहा है कि जिस भी एरिया में सेवा शुरू की जाती है ना, बीके में एडवांस पार्टी जो कर रही है, तो वहाँ से धमकी आने लगती है सेंटर से। हाँ? मतलब जो है ना, वहाँ की जो निमित्त बड़ी बहनें हैं, हाँ? वहाँ के जो बड़े भाई हैं, हाँ? उनको उनसे फोन करवाती हैं और जो जान से मार दिया है तो उल्टा करने की धमकी हाँ? दी जाती है। हाँ? तो उसमें पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए? फरक्काबाद का मिसाल तुम्हारे सामने आया कि नहीं आया? फरक्काबाद का मिसाल तुम्हारे सामने आ गया, 8 पॉइंट निकले, 8 पॉइंट बंबई वालों ने छापना शुरू कर दिए, है ना? बंबई वालों ने छापना शुरू कर दिए और बंबई से फिर अलग अलग शहरों में भी पहुंच गए, तो उनको क्रोध तो आया, क्रोध आया। क्या क्रोध आया? अब हम नहीं छोड़ेंगे। क्या? अब 13वां वर्ष शुरू हो रहा है, अब हम प्रत्यक्ष करके छोड़ेंगे, पकड़ के मानेंगे। तो पकड़ने का साधन तो है नहीं उनके पास कोई, तो मीडिया वालों को नोट बांटना शुरू कर दिए, 1000-1000 की नोटों की गड्डियां चल पड़ी। इतने नोट बांटे कि उन्होंने धड़ाधड़ दबा दब ग्लानी करना शुरू कर दी। किसकी? और किस स्थान पर ग्लानी की शुरुआत की? फर्रुखाबाद। क्यों? क्योंकि फर्रुखाबाद से ही सारे ट्रेनिंग लेकर के निकल रहे हैं, एडवांस कोर्स लेकर के। वो एडवांस कोर्स में ही इन 5-8 प्रश्नों का जवाब भरा हुआ है। एडवांस कोर्स लेने वाले ही 8 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। नंबर वार तो समझ लिया है कि दुश्मन ने यही बैठा हुआ है, वहीं हमला करो। तो इतने दिन चलता रहा, धुआंधार मीडिया वालों ने ग्लानी की अखबारों में, टीवी में, चैनल्स में, इंटरनेट में, मासिक पत्रिकाएं, साप्ताहिक पत्रिकाओं में। फिर कुछ रिजल्ट निकला? है? रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। और ही बाबा का महावाक्य साबित हो गया। बाबा ने बोला है, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। तो फर्रुखाबाद कहाँ है? धर्म युद्ध का खेल हुआ कि नहीं? है? रावण अधर्मी था या धर्मी था? अधर्मी था। और अंगद धर्मी था, उसने पांव जमा दिया, रावण हिला सका? तो फर्रुखाबाद में भी वो बुद्ध रूपी पांव जमा का जमा हुआ रह गया। और न मीडिया वाले कुछ बिगाड़ पाए, न अखबार वाले बिगाड़ पाए, न चैनल्स वाले बिगाड़ पाए, न प्रशासन कुछ बिगाड़ पाया और न पुलिस से प्रशासन कुछ बिगाड़ पाया। टाए टाए फिर से हो गई। तो तुम्हारी बात का जवाब मिला कि नहीं? है? क्या मिला? तुम महारथी हो, हाथी रूपी महारथी, अपनी मस्ती में सेवा करता चला जाता है।
और जो बंदर संप्रदाय है वो क्या करते हैं? मुड़की मारते रहते हैं। तुम हाथी हो, डरने वाले हो क्या? है हाथी अपनी चाल से चलता चला जाता है। इसलिए मुरली में बोला, कुत्ते भौंकते रहते हैं, अखबारों में खूब भू भू करेंगे, भौं भौं भौं, तुम कुछ भी ना करो। क्या तुम कुछ भी ना करो, तुम्हें एक भी पैसा खर्च करने की दरकार नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप धर्म के ऊपर विजय होती रहेगी। पॉजिटिव सेवा करनी चाहिए या नेगेटिव सेवा करनी चाहिए? पॉजिटिव तुम कर रहे हो बाबा, जब बॉडी में अटैक पे आ जाए फिर क्या करना चाहिए? है अब परसों, अभी दो चार दिन पहले की बात है, हम राजपुरा में सेवा कर रहे हैं, 8-10 आदमी हमने हिला दी तो दीदी बीमार हो गई आश्रम वाली। अच्छा, तो ये क्या हो गया? तो वो भी उसने मेरे को धमकी दिलवाई कि अगर राजपुरा में बढ़ गया तो तेरे चार पीस करेंगे। है तेरे चार पीस करेंगे। हाँ, तो हमारी युगल डरती है। हाँ, मैंने कहा बाबा हमारे साथ है, हमें डर है। हाँ, तो युगल हमारी डरती है। हाँ, कि आप जाना नहीं, ये वो हिली गया था। हाँ, तो वहाँ से 7-8 आत्मा हिलगी, तो ऐसे बोलते जब बॉडी अटैक हो तो क्या करना चाहिए? कहाँ हुआ है बॉडी अटैक? आप तो झूठ बोल रहे हैं। अभी तो बताया हाथी अपनी चाल से चलता जाता है और जो बंदर हैं वो घुड़की मारते रहते हैं। उन्होंने तुमको घुड़की मारी है, वो खुद भी डरते हैं। ये खुद भी डरते हैं। अरे ये तो जन्म जन्मांतर के इतनी पावरफुल आत्माएं हैं कि ये तो अपनी पोताराएं तो हमारे पूरा परिवार का परिवार खलास कर देंगे। अभी बाबा ने बांधा हुआ है इसलिए बंधे हुए हैं बाबा की श्रीमत में, नहीं तो पता नहीं ये बी के परिवार को कहां का कहां उड़ा देते। जवाब दो, सो तो है नहीं उनके पास जवाब नहीं है, लाठी महाभारत में जब श्री कृष्ण को गाली देने लगे दरअसल, तो उसने कहा कि भीम को तो चुप हो जा, सो गाली कोई ना, तो मैं इसके आप इसका नाम कोई बात होगी। हाँ जी बाबा, क्या हुआ जब धमकी आई ना तो हमने अपने कलेक्शन के लिए पुलिस में जो है ना एक अप्लीकेशन दे दी। डर गए ना? हाँ नहीं, हमने डर नहीं बाबा, तो ताकि वो भी वहाँ से पुलिस ने वहाँ पे फोन किया है कि आप यहाँ पे पुलिस में आओ, ये भाई ने जो है ना आपके खिलाफ ये करी है, आपने जान से मारने की धमकी दी है। तो पुलिस ने काफी कहा कि आपको खदेड़ के लाया जाएगा, आप यहाँ पे आकर के जो है ना सफाई दो, सफाई दो आकर के, तो सफाई नहीं देने आए, तो वहाँ से किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए किसी अपने वकील को भेज दिया कि आप निपटा दो। खुद नहीं आए, मतलब ना बहन को भेजा ना वो जिस भाई ने फोन किया था, क्योंकि यहाँ तो पूरा रिकॉर्ड था ना कि इस तारीख को इस डेट पे इस फोन इस नंबर पे। अच्छा, तुमने प्रूफ पकड़ लिया। हाँ, ये होशियारी की तो मतलब ये है कि कम से कम ये पहला स्टेप तो ये उठाना। हाँ, तुम्हारे पास प्रूफ है पक्का? हाँ पक्का है। तो रिपोर्ट करो कि ये हमको इस तरीके से धमकी दे रहे हैं। बाबा जगदम्बा रुद्र माला का मन का होने के बावजूद भी नारी से लक्ष्मी नहीं बनती। हाँ, तो जगदम्बा को शरीर छोड़ना पड़ता है? क्यों शरीर छोड़ना? रुद्र माला का मणका नहीं है, बीज रूप आत्मा नहीं है, बीजों का नाश होता है क्या? हाँ, तो नारी से लक्ष्मी, तो इसी शरीर से नारायण का लक्ष्मी बनता है। नारी से लक्ष्मी अच्छा पुरुषार्थ करेंगे श्रीमत के अनुकूल तब ही बनेंगे, या चौराहे पर जाके रात में बैठेंगे सेवा करेंगे तब बनेंगे? है? जब नियम बता दिया कि ढाल को साथ लेकर के काम करना है, क्या कन्या माताएं हैं ढाल और कन्याएं हैं तलवार, तो कन्याओं को कैसे सेवा करनी है? माताओं को साथ लेकर के सेवा, किसी भी पुरुष से अकेले में बात नहीं करनी है। अगर अकेले में बात भी की
तो वे दुर्योधन दुशासन अपना पंखा मार देंगे और उल्टा बना देंगे। इसलिए माता को हर समय साथ में रखना है, ढाल अपने साथ रखनी है, तब तलवार चले। तो श्रीमत की बरखिलाफी अगर सीता ने की तो रावण ले जाएगा। बाकी इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि रावण ले जाएगा तो सीता जो है वो खलास हो जाएगी या उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा संगम युग में। रहेगी तो इतना होगा कि हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे पुरुष वृत्ति के, पुरुष बन सकती है स्त्री से, पुरुष बन के तो राजा बनेगी कि नहीं बनेगी, पुरुष बन के राजा बन सकती है। बाबा फिर भी उस बुद्धि में ज्ञान इतना डीपली बैठता होता है, है? फिर भी जगदम्बा की बुद्धि में ज्ञान इतना डीपली है जिससे कोई क्रॉस नहीं कर सकता, जगदम्बा को ज्ञान में कोई क्रॉस नहीं कर सकता, भी इतना गहरा ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है, अगर वो श्रीमत का किसी का भी मंथन करती है तो इतना गहरा ज्ञान उसकी बुद्धि में कैसे बैठा है? और रावण के रावण रावण ज्ञान का पंडित था या नहीं था? है? इतना बड़ा पंडित था कि भगवान राम को भी उसको निमंत्रण देने के लिए दिल होने लगी कि रावण आए हमारा यज्ञ संपन्न करे। बाबा तो हंस तक बाबा का साथ ही, अंत तक भी बाबा का साथ रहती है ना? हंस तक कहाँ रहती है, झूठ बोलती है। हैं? जब बढ़ती करने जाती है वहाँ लिखा होता है ना कि अंत तक साथ दूंगी बाबा। हाँ हाँ, तो जो जो भी दूसरे धर्म के प्रभाव में आने वाले होते हैं, जगदम्बा है ना, सबकी अम्बा है ना, दिल्ली सबके प्रभाव में, सब धर्मों के प्रभाव में आती है ना, दिल्ली की गोद में सब धर्मों ने राज्य किया है ना, तो सबके प्रभाव में आ गई ना। तो जब सबके प्रभाव में आ गई तो सबके संस्कार स्वीकार कर लिए कि नहीं कर लिए? विदेशी बच्चों के संस्कार स्वभाव स्वीकार कर लिए तो भारतवासी रही नहीं रही? हैं? ये भी तो कह रहा कि महाकाली अंत तक क्या? अंत तक साथ रहूंगी तो वो विधर्मियों के प्रभाव के आधार पर निराकार को भगवान मानती है या साकार को भगवान मानती है, ये आपने कैसे जान लिया? मैं अंत तक साथ रहूंगी, किसके साथ रहूंगी, निराकार के या साकार के? अरे वो विदेशी बच्चों के संसर्ग संपर्क में आती है कि नहीं आती है? माता तुम्हारी अभी कौन है? फिर काय के लिए मरहुओं को याद करते हो? अरे भारत में, मुरली में बोला, भारत में एक पुरुष की स्त्री मर जाती है तो कहते हैं दूसरी जूती ली, तीसरी जूती लेते हैं, चौथी जूती लेते हैं, चार चार स्त्रियां भी कर लेते हैं। तो अगर पहली स्त्री मर गई, दूसरी शादी कर ली, तो जो पहले के बच्चे हैं वो नई आई हुई माता को माता माने या नहीं माने? आप क्या कर रहे हैं, आप किसकी वकालत कर रहे हैं? है? आप समझ में आ गया? अच्छा चलो। और हनुमान का पाठ ब्रह्मा का बताया था, सुग्रीव और सुग्रीव का भाई बाली का क्या पाठ? बाली वो है जिसका बच्चा अंगद बनता है। क्या? बाली वो है जिसको वरदान मिला हुआ है। क्या? कि अगर सामने से कोई लड़ाई लड़ेगा तो उसकी आधी ताकत उसके अंदर चली जाएगी। इसलिए सात ताड़ के वृक्षों को बीच में रखा,
और उनकी ओट लेकर के बाली को मारा। इन सात ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से धाएगा, सात ताड़ के वृक्ष भी गिर जाएं और फिर वो बाण आगे बढ़ करके बाली को मार दे। वो सात ताड़ कौन से हैं? सात विधर्मी नारायण ही सात ताड़ हैं। और वो आठवां कौन है जो मर जाता है? ब्रह्मा बाबा, वो ही बाली हो गया। बाल, बाल कहते हैं ना, क्या कहते हैं है? अभी तो बोला बाल ब्रह्मचारी, बालाजी महाराज है। जिसकी गले में सुंदरता भरी हुई हो, जिसके गले में मीठापन भरा हुआ हो, वो सुग्रीव है। और है मुरली में बोला हुआ है कि तुम बच्चे इस सृष्टि पे परम नाम को उतार लोगे, तो अब परम नाम है कहाँ? है परम नाम है कहाँ? अभी कहाँ है? अभी तुमने कहा, अभी तुमने अपनी बुद्धि में ही नहीं उतार पाया। परमधाम उसको कहेंगे जहाँ सबकी बीज रूप स्टेज हो, सबकी आत्मिक स्टेज बने, एक भी आत्मा वहां पहुंच के ऐसी न रहे जो आत्मिक स्टेज वाली न रहे, उसको कहेंगे परमधाम। तो बाबा ऐसे नहीं कहेंगे परमधाम ऊपर है कहीं? ऊपर है, ऊंची ऊपर। कैलाश पर्वत कहाँ है? ऊपर है कि नीचे है? ऊंची स्टेज है, ऊंची स्टेज में। ऊपर है कि माने ऊंची स्टेज में है, ऊपर नीचे की बात नहीं है, स्टेज की बात है। स्वर्ग ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। भक्ति मार्ग में मानते हैं स्वर्ग ऊपर है, पाताल नीचे है, नरक नीचे है, स्वर्ग ऊपर है। तो ऊपर है क्या? वो तो ऊंची स्टेज की बात है, है। और बाबा भक्तवाणी में बोला है अगर माताएं मुंह पर विजय पाले तो समझो विजय हुई है, जबकि बोलने वाली भी जगत की सबसे बड़ी माँ ब्रह्मा ही हो। उनको नहीं एहसास होता कि मैंने नहीं अभी विजय पाई तो माताएं कहाँ पाई? ठीक है, तो मतलब कैसे बोलते हैं वो है? भक्तवाणी में बोला ना। हाँ, तो दुनिया की सबसे बड़ी माता कौन है? जगदम्बा जी। तो फिर गलत क्या हुआ? नहीं, वो बोलते हैं अगर माताएं विजय पा लें। हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद ही अभी तक विजय नहीं पाई। किसने? ब्रह्मा बाबा। अरे बोला किसने? व्यक्तवाणी बोला तो ब्रह्मा बाबा नहीं बोला होगा? अरे व्यक्तवाणी में ब्रह्मा बाबा बोलता है? बाप दादा। व्यक्तवाणी जो मुरली है उसमें ब्रह्मा बाबा बोलता है? वो ब्रह्मा बाबा जो कुछ भी बोलता है वो किसकी याद में बोलता है? बाबा की याद। तो जो भाषा बोलेगा, कवियों की बातें जो हैं सच्ची निकल जाती हैं। जैसे सूरदास ने लिखा, ऐसो जोग पर है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चौदह से काल फिरे। तो उन्होंने सच्ची बात बोली या झूठी बात बोली है? ये सच्ची बात, सच्चाई उनके मुख से किसने उगलवाई? भगवान ने उगलवाई। जो कवि होता है उसका हृदय शुद्ध होता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की याद में रह करके जो भी बोलते हैं वो सब सच्ची बात बोलते हैं। ओम शांति।